हाँ बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, जैसे कि आप देख रहे थे, हम कक्षा 12वीं के विलयन नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। और विगत हमारी कुछ कक्षाओं में आपने जैसा कि देखा, हमने अणु संघ के गुणधर्म को रिलेट करके और कई अलग अलग विषयों पर छोटे छोटे टॉपिक को लेकर हमने अध्ययन किया बच्चों। बच्चों, हमारी आज की क्लास का जो संदर्भ है अणु संघ के गुणधर्म को लेकर ही है। अणु संघ के गुणधर्म बच्चे थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है और वो जाएगा भी, क्योंकि कंटेंट हमको मैक्सिमम कवर करने हैं। ठीक है, तो बच्चों आज अणु संघ के गुणधर्म का हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे हिमांक, फिर हिमांक में अवनमन की बात करेंगे बच्चों, उसके उपरांत हम हिमांक में अवनमन को एक अणु संघ का गुणधर्म प्रूव करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश करेंगे। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम हिमांक की बात कर रहे हैं तो समझिए हिमांक होता क्या है। ठीक है बच्चों, हिमांक वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव की वाष्प दाब का मान शून्य हो जाता है और द्रव ठोस में बदलने लगता है। तो बच्चों, उस न्यूनतम ताप को हमने क्या बोला है, तो हमने बोला है हिमांक, या बच्चों हम उसको बोलते हैं हिमांक ताप। ठीक है, तो बहुत साधारण सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों। आपके सामने डेफिनेशन है, एक बार वापस मैं रिकॉल करता हूं, समझा देता हूं आपको, समझिए। मैंने आपको बताया हिमांक, तो बच्चों हिमांकों को समझने के लिए अगर हम इसकी तुलना क्वथनांक से करें तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। याद करिए, हमने इससे पहले वाली क्लास में क्वथनांक को टारगेट करके बच्चों हमने क्वथनांक की परिभाषा पढ़ रखी थी। मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी कक्षा 12वीं से पहले यानी 10वीं या उससे छोटी कक्षाओं में जब भी क्वथनांक के बारे में पढ़ा था बच्चों, तो हमने पढ़ा था कि किसी द्रव का वह अधिकतम ताप जिस पर वो उबलता है। मैंने कल आपको 12वीं के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन दिया था और मैंने वो रीजन आपको बताया था कि उस अधिकतम ताप पर उस द्रव की वाष्प दाब का मान एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से उस अधिकतम ताप पर वो जो द्रव है वो हमको उबलता हुआ दिखता था, और हमने उस अधिकतम ताप को क्या बोल दिया था, क्वथनांक बोल दिया था बच्चों। हमारा आज का जो टारगेट है वो हमने लिया है हिमांक। बच्चों, मैंने आपके सामने डेफिनेशन ली है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर उस द्रव की वाष्प दाब का जो मान है बच्चों वो शून्य हो जाता है और जो द्रव है वो ठोस में बदलने लगता है। तो उस न्यूनतम ताप को हमने हिमांक ताप के रूप में पढ़ा, हम इसको बोल रहे हैं बच्चों हिमांक। कहने का मतलब ये है, हम अगर पूर्व के अनुसार ही बात करें, है ना, कि हिमांक ताप न्यूनतम ताप है जिस पर कोई द्रव जो है वो ठोस में बदलना स्टार्ट करता है या ठोस में बदलता है, वो न्यूनतम ताप हिमांक है। तो मैंने यहां पर आपको ऑलरेडी बता दिया कि उस न्यूनतम ताप पर उस द्रव के साथ क्या होता बच्चों, कि उसकी वाष्प दाब का मान शून्य हो जाता है। जहां पर उसकी वाष्प दाब का मान शून्य होगा वही न्यूनतम ताप पर वो ठोस में बदलना प्रारंभ कर देगा, ये उसका हिमांक हो गया। बच्चों, हिमांक ताप को हम प्रदर्शित करते हैं Pf0 विलायक के लिए होगा। हिमांक ताप अगर शुद्ध विलायक का निकालोगे, ध्यान से समझेंगे यहां पर कॉन्सेप्ट को, अगर मैं शुद्ध विलायक का हिमांक ताप निकालूंगा तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा Tf0 से। यहां पे F का मतलब होता है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट और T का मतलब होता है टेम्परेचर,
जीरो केवल जो है वो उसकी प्योरिटीज को रिप्रेजेंट करता है कि वो शुद्ध है। अगर वही हिमांक ताप आप किसी विलयन के लिए लिखोगे तो आप उसको नॉर्मल टीएफ लिख के छोड़ दोगे, क्योंकि वो विलयन के लिए होगा उस कंडीशन में। ठीक, फाइनली बच्चों जब हमने हिमांकों को पढ़ लिया तो हम बात करेंगे हिमांक में अवनमन की। जैसा कि मैंने आपको पूर्व की कुछ क्लासेस में पहले भी बता रखा हुआ बच्चों कि यहां पे अवनमन का मतलब होता है कमी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहां पर कमी किस चीज में, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कमी किस में होगी, हिमांक में। हिमांक मतलब न्यूनतम ताप में, मतलब अब जो ताप है वो और ज्यादा न्यूनतम हो जाएगा, उसके मान में और ज्यादा कमी होगी, उस कमी को हम हिमांक में अवनमन बोलेंगे। ये डेफिनेशन नहीं है अभी एग्जैक्टली, मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि क्या मिलेगा। चलिए जल्दी से देखते हैं बच्चों हिमांक में अवनमन। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। बच्चों डेफिनेशन बहुत साधारण है, जब शुद्ध विलायक के हिमांक ताप की तुलना हम किसी विलयन के हिमांक ताप से करते हैं तो इनके तापों में अंतर के परिणाम स्वरूप मान में जो कमी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, उसे हम बोलेंगे हिमांक में अवनमन को बोलेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। यहां पर डेफिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है आपको और फोकस करना बच्चों एग्जैक्टली। मतलब यहां पर हमने केवल बुकिस लैंग्वेज को फोकस नहीं किया है, थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं अपन, है ना, एलेबरेट कर दे रहे हैं चीजों को, कुछ शब्द अतिरिक्त जोड़े गए ताकि डेफिनेशन सरल हो जाए और आप सरलता से समझ सको। बच्चों मैंने आपको बताया हिमांक में अवनमन है कि जब आप शुद्ध विलायक के हिमांक ताप की तुलना किसी विलयन के हिमांक ताप से करते हैं तो इनके तापों में अंतर के परिणाम स्वरूप, है ना, अंतर के परिणाम स्वरूप मान में जो कमी प्राप्त करते हो आप, या मान में जो कमी प्राप्त होगी, उसको हमने बोला है हिमांक में अवनमन। बच्चों ये हिमांक में अवनमन है। ठीक है, मैं हिमांक में अवनमन को रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों डेल टी एफ से। ठीक, जैसा कि हमने बोला है ना, अंतर चाहिए हमको, तो हम बड़े मान में से छोटे मान को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो टी एफ जीरो माइनस टी एफ। ये टी एफ जीरो जो है बच्चों ये रिप्रेजेंट करता है शुद्ध विलायक के, ये रिप्रेजेंट करता है शुद्ध विलायक के हिमांक ताप को, ये शुद्ध विलायक का हिमांक ताप है बच्चों। जबकि यहां पर जो टी एफ है ये रिप्रेजेंट करता है विलयन के हिमांक ताप को, ये विलयन के हिमांक ताप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और सिंपल सी बात हो गई, यहां पे जो डेल टी एफ आप देख पा रहे हो, ये डेल टी एफ हमारा क्या है बच्चों, ये हिमांक में अवनमन है। तो हमने हिमांक में अवनमन को भी समझ लिया। ठीक है, तो इसका बहुत संक्षिप्त सा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है।
हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये प्रूफ करेंगे कि ये जो हिमांक में अवनमन है बच्चों, ये एक अणु संख्या गुणधर्म है ना। अब हम प्रूफ करेंगे कि हिमांक में अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। याद करिए पूर्व की कक्षाओं को, इससे पूर्व के जो वीडियोस हैं उन पे आप ध्यान दीजिए और कॉन्सेंट्रेट करिए कि हम किसी भी चीज को अगर अणु संख्या गुणधर्म प्रूफ करने वाले हैं या प्रूफ करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं। हम ये बताने की कोशिश करते हैं बच्चों कि जो भी एक टॉपिक जिसको हम अणु संख्या गुणधर्म प्रूफ करना चाहते हैं वो केवल और केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी मात्रा या उसकी प्रकृति। क्लियर हो गई मेरी बात? अगर हम ये चीज सिद्ध कर जाते हैं और हम ये प्रूफ कर जाते हैं तो हम कह देते हैं कि वो एक अणु संख्या गुणधर्म है। चलिए इसी को टारगेट करना है हमारा अगला प्रश्न, तो देखते हैं बच्चों जल्दी से। हमारा जो प्रश्न है बच्चों वो आपके सामने रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हिमांक में अवनमन एक अणु संख्यक गुणधर्म है। बच्चों ये हमारा टारगेट है, ठीक है, आप इसको प्रश्न समझ लें आज का, एक बिल्कुल सेपरेट प्रश्न के रूप में भी एग्जाम में आता है। तो मैंने आपको टारगेट दिया है कि हिमांक में अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है, हमको ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे आप चाहें तो बोल सकते हैं सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए हिमांक में अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म। बच्चों फिर से वही हमारे सामने टारगेट है, तो लेकर चलते हैं जल्दी से इस प्रश्न के लिए। बच्चों हिमांक में अवनमन को अगर एक अणु संख्या गुणधर्म सिद्ध करना है तो यहां पर जो विधि मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं बच्चों वो कहलाती है ग्राफी निरूपण। उस विधि का नाम है ग्राफी निरूपण विधि। बच्चों ग्राफी निरूपण को हमने क्वथनांक में उन्नयन को अणु संख्या गुणधर्म प्रूफ करने के लिए भी हमने समझा था, ठीक है, वही चीज यहां पर आ जा रही है। तो मैं जल्दी से सबसे पहले ग्राफ जो है वो बना लेता हूं बच्चों। तो मैंने क्या किया, मैंने वाई अक्ष ले लिया बच्चों, ठीक है, ये मेरे पास वाई अक्ष है। फिर मैंने एक्स अक्ष ले लिया, ये मेरे पास एक्स अक्ष है। मैंने क्या किया बच्चों, शुद्ध विलायक और विलयन को लेकर मैं वाष्पदाब वक्र प्राप्त करता हूं। तो वाई अक्ष पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों वाष्पदाब के मान को, जबकि एक्स अक्ष पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा हिमांक ताप को, ठीक, हिमांक ताप को। बच्चों वाई अक्ष पर वाष्पदाब को और एक्स अक्ष पर हिमांक को लेकर हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से आपको प्रतीत होगा बच्चों। मान लीजिए प्रारंभ में आपने यहां से स्टार्ट किया, ये बिंदु ए है, आपका जो शुद्ध विलायक है वो अभी लिक्विड है, यानी यहां पर आपका जो विलायक है वो द्रव अवस्था में तरल है। वो यहां से आपने उसकी वाष्पदाब प्राप्त की, एक स्थिति आई कि वो अब धीरे धीरे इस बिंदु बी पर पहुंचा और बिंदु बी के बाद वो ठोस में बदलने लगा बच्चों। तो जैसे ही वो ठोस में बदलने लगा उसके ग्राफ का जो कलर है वो मैं यहां से बदल देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। मान लीजिए ये बिंदु सी पर आया तो जो बीसी वक्र आपको मिलेगा बच्चों ये ठोस के लिए है, जबकि जो ए बी वक्र आपको मिल रहा है वो तरल या द्रव के लिए है। इसी तरह से आप विलयन की वाष्पदाब वक्र को प्राप्त करेंगे। मान लो बेटा बिंदु बी पर जो विलयन है वो द्रव है, ताप को कम करते जाते हैं तो धीरे धीरे उसकी वाष्पदाब का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है, और एक स्थिति ऐसी आती कि जब वो पॉइंट ई पर पहुंचता है वो ठोस में बदलता है। उसके उपरांत शेष ये जो ग्राफ है ना, दो लाइनें हो गई यहां पर, तो ये बिंदु ई पर वो ठोस हो गया, यानी यहां पर आपको जो सी ई ग्राफ मिला वो ठोस विलयन का वाष्पदाब वक्र है। तो इस तरह से आपको ये कर्व प्राप्त होंगे जिनको हम वाष्पदाब वक्र बोले। बच्चों करना क्या है आपको यहां पर, जैसा कि आपको याद होगा मैंने सिर्फ पिछली की क्वथनांक के लिए जो क्लास थी उसमें आपको बताया था कि ग्राफी निरूपण में आप जितना डिस्क्राइब करेंगे उतनी चीजें आपको रिटर्न करते जाना, वो लिखते जाना है। तो सबसे पहला बिंदु आप लिखेंगे कि x अक्ष पर हिमांक ताप को,
और वाई अक्ष पर वाष्प दाब के मान को लेकर हमने शुद्ध विलायक की द्रव और ठोस अवस्था के, इसी प्रकार विलयन की द्रव और ठोस अवस्था के वाष्प दाब वक्र प्राप्त किए। ये आपका पहला बिंदु होगा। दूसरे बिंदु में आप लिखेंगे बच्चों कि वक्र ए बी जो है वो शुद्ध विलायक का द्रव अवस्था में वाष्प दाब वक्र है, यानी ये विलायक का है जबकि वो शुद्ध है, ठीक, और वो द्रव अवस्था में है, तरल है, जबकि जो बीसी है बच्चों तो इस कंडीशन में वो ठोस हो चुका है। इसी प्रकार ये विलयन के लिए है, ठीक। इनके बारे में भी आप बता देंगे कि वक्र जो ए बी है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वक्र है उसकी तरल अवस्था में, वक्र बीसी जो है वो भी शुद्ध विलायक का है लेकिन उसकी ठोस अवस्था में, वक्र जो डी ई है बेटा वो विलयन का वाष्प दाब वक्र है उसकी द्रव अवस्था में तरल अवस्था में, जबकि जो वक्र ईसी है ना, ई से लेकर सी तक ये वाला, तो ये विलयन का वाष्प दाब वक्र है उसकी ठोस अवस्था में। इतनी चीजें आप बता देंगे बच्चों सबसे पहले महत्वपूर्ण है। फिर क्या करना है बच्चों, फिर हम एक्स अक्ष के समानांतर, ये बच्चों हम एक्स अक्ष के समानांतर वाई अक्ष से होती हुई एक काल्पनिक बिंदुकित रेखा खींचेंगे, ठीक है, और ये निरूपित करेगी बेटा एक वायुमंडली दाब को, ये एक वायुमंडली दाब को निरूपित करेगी, ठीक, ये एक वायुमंडली दाब है 180 MPa। अब ये रेखा हमारे एक वायुमंडल आपको निरूपित कर रही है, ठीक है बच्चों, ये भी आपने खींच दिया। समझने वाली बात है कि उस रेखा से नीचे हम देख रहे थे कि हिमांक की जो डेफिनेशन थी उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। डेफिनेशन क्या थी हमारी, याद करिए कि किसी द्रव का वह न्यूनतम ताप, ठीक है, जिस पर वो द्रव ठोस में बदलता है। तो हमने क्या किया था, एक वायुमंडली से नीचे हमने इसके दाब को कम करते चले गए, ताप को कम करते चले गए, तो जब वो बिंदु बी पर पहुंचा तो वहां पर वो ठोस में बदला, उससे हमने क्या किया एक्स अक्ष पर लंब डाला, इसके संगत हमको क्वथना हिमांक ताप मिला, हमने उसको बोला TF0। इसी प्रकार बी से ताप को कम किया तो वो ई पर ठोस में बदला, उससे हमने एक्स अक्ष पर संगत लंब डाला तो उसके संगत हमको क्या मिला बच्चों, हिमांक ताप मिला TF। हमने दोनों का अंतर निकाला, डेल्टी एफ हमको इस तरह से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक, इसको हम अपना समीकरण नंबर एक बना लेंगे। आपको मालूम है प्रायोगिक आधार पर, प्रायोगिक आधार पर पाया गया बच्चों, प्रायोगिक आधार पर जो पाया गया वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या पाया गया है प्रायोगिक आधार पर, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्यों, तो देखिए हमारा प्रायोगिक आधार, तो प्रायोगिक आधार कहता है बच्चों जो हिमांक में अवनमन है वो बच्चों समानुपाती होता है किसके, मोललता के, ये भी मोललता के ही समानुपाती है, यानी कि आप बोलेंगे डेल्टी एफ समानुपाती मोललता, मैं इसको संबंध नंबर दो बनाता हूं। आपको बच्चों मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया थे कि जो मोललता है ना वो विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती है, ये संबंध तीन है, हम संबंध दो की तुलना संबंध तीन से करेंगे तो फाइनली हम अपने परिणाम पर आ जाएंगे कि जो डेल्टी एफ है वो भी मोललता के समान सॉरी विलेय के मोलों की संख्या के बच्चों समानुपाती हो जाएगा। तो इससे हम निष्कर्ष ये निकालेंगे कि फाइनली जो हिमांक में अवनमन है वो विलेय के कणों की संख्या अर्थात विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती है। अगर आप इस संख्या में परिवर्तन करेंगे, उसको बढ़ाएंगे तो अवनमन का मान भी बढ़ जाएगा, आप इसको घटाएंगे तो अवनमन का मान भी घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हिमांक में अवनमन एक अणु संख्यक गुणधर्म है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने हिमांक को लेकर ये टॉपिक कंप्लीट किया, इसके बाद हम अगली क्लास में हिमांक को लेकर केवल विलेय के आणविक भार की गणना करेंगे और एक अणु संख्या गुणधर्म हमारा इस अध्याय का रह जाएगा परासरण दाब, जिसको समझ लेने के बाद हमारा ये अध्याय जो है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।